हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग वृंदावन मथुरा घूमने जा रहे हैं, सो उसकी छोटी सी क्लिप है। एक्चुअली मैं जाते समय ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। हम लोग छिंदवाड़ा से निकले थे सुबह मॉर्निंग में, 10 बजे हमारी ट्रेन थी। छिंदवाड़ा से हम लोग बाई ट्रेन गए थे, सो उसकी छोटी मोटी मैंने क्लिप शूट किया था। सो मैंने सोचा इसमें ऐड कर देती हूँ। सो अभी हम लोग इस टाइम पे जा रहे थे और ये बच्चे लोग थोड़ी शैतानी कर रहे थे, सो इसकी क्लिप मैंने थोड़ा सा ऐड करी हूँ ताकि एक मेमोरेबल रहे। हम लोग भी, मैं भी आगे जाके देखूँ तो मुझे भी अच्छा लगे। सो अगर आप लोग को ये ब्लॉग या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए देखते हैं, आगे मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिर जाएगा तो मैं नहीं जानता। ट्रेन नहीं है, बेड नहीं है। हाँ बेड नहीं है क्या क्या हो गया? सो गाइज, यहाँ पे हम लोग मथुरा के लिए निकल गए थे। सो हम लोग बाई ट्रेन गए थे एंड जो डायरेक्ट 10 बजे छिंदवाड़ा से निकलती है और जो मथुरा रात को 1 बजे पहुँचती है। सो हम लोग रात को 1 बजे मथुरा पहुँच के फिर हम लोग ने वहाँ पे रात को स्टे किया था एक होटल में, बिकॉज़ हम लोग ने होटल पहले बुक नहीं की थी। होटल हम लोग ने वहीं जाके एक दो पता करके हम लोग ने देख के सामने से, और वहीं पे हमने होटल बुक करी थी और हम लोग ने वहीं रात में स्टे किया था। कैसे करते रात को कुछ ये लो, चलो आने दो, चलो राधु आपकी पूरी हरकतें मैं ना रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी आप कितना उदम करते हैं। वो देखते हो रिकॉर्ड हो रहा सब। हाँ तो आप कैसे परेशान कर रहे हैं। मैं ना दादू को भेज दूंगी। क्या बोल रहे, सुनाई चली दिया इसके हम। तो गाइज हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। हम लोग रात को मथुरा पहुँचे थे जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो मॉर्निंग में हम लोग तैयार होके, हम लोग को आज 26 था तो हम लोग को 26 पूरा हम लोग मथुरा घूमने वाले थे। सो हम लोग यहाँ से होटल से निकल गए थे और हम लोग को इसी टाइम पे चेकआउट करना था। सो हम लोग उसी की प्रोसीजर करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे और यहाँ पर हम लोग बाई ट्रेन आए थे। सो यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह चलते, ऑटो चलते, तो उससे ही आपको सब जगह घूमना पड़ता है। सो हम लोग यहाँ से ई रिक्शा ले लेंगे। बोलना, ब्लॉग शुरू करना है। ऐसे थोड़ी पूरा बोलना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई आज की सुबह गुड मॉर्निंग मथुरा। गुड मॉर्निंग। और ये दो पापा लोग अपने अपने बच्चे को संभालते हुए। हेलो कर दो बेटी। हेलो हेलो राधु, हेलो राधे 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 कर दो ऐसे। हाय बाय कर दो, बाय। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण जन्मभूमि। यार मथुरा में तो बहुत ठंडी है, अपनी छिंदवाड़ा से ज्यादा ठंडी लग रही है वहां तो। कोई मेरा मोबाइल छीन के तो नहीं ले जाएगा ना? मैं तो मेरी ब्लॉगिंग धारी धारी रह जाएगी। रिक्शा वाले बन गए क्या भैया? ये सब आपके कारण हो रहा है। चलो मैं बोल रही हूँ रिक्शा वाले धरती सोना उगले उगले हीरे।
कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन पता ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं आ रहे, पता नहीं क्यों ऐसा, अब लगेगा टाइम कल से, लग नहीं रहा था, अब लगेगा फीलिंग आ रही है। टोपा वाली दीदी देखो कितनी सुंदर है, थोड़ा प्यारा लग रहा है टोपा, इसका क्यूट टोपा लगता है। हेलो कर दो, ऐसे कर दो हेलो, ये ऐसे उधर में दो, उधर में बच्चे, हमारे घर के पंडित जी जा रहे हैं, पंडित जी जा रहे हैं, पंडित जी हाँ टोपा पहना दादू ने। सो गाइस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, ई रिक्शा लिए हैं और यहाँ पे ई रिक्शा वाले 10 रुपये या 20 रुपये पर सवारी लेते हैं। सो हम लोग सबसे पहले मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे जाएंगे, सो वहाँ पे विज़िट करेंगे फर्स्ट, मतलब हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे निकले थे, सो यहाँ पे 11 से 12 बजे तक ही सारे मंदिर वगैरह खुले रहते हैं और फिर 12 बजे के बाद से 1 बजे से 4 बजे तक सब कुछ बंद रहता है, सो आपको उसी टाइम पर निकलना होता है। सो इस टाइम पे हम लोग निकल गए थे और यहाँ से ई रिक्शा लेंगे और ई रिक्शा वाला आपको रोड तक छोड़ेगा, रोड से फिर आपको थोड़ा सा अंदर वॉक करके जाना पड़ता है बिकॉज़ मंदिर तक सभी ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं जाते हैं, सो ये हम लोग को आधे रास्ते में छोड़ देंगे, फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा और वॉक करके फिर आप मंदिर या जो भी आप जिस प्लेस में जा रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है ट्रैफिक होता है उसके कारण ई रिक्शा प्रॉपर आपको मंदिर तक नहीं छोड़ता है, एंड यहाँ पे आपको व्हीकल्स तो हर 5-5 मिनट में मिल जाएंगे, व्हीकल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग को ई रिक्शा ने रास्ते मतलब थोड़ी दूरी पे छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ेगा 5-10-15 मिनट। सो यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट होता है, ये आपकी मथुरा की गलियाँ हैं, थोड़ा सा आप वॉक करें, यहाँ पे आपको नाश्ता चाय वगैरह खाने वाने का सब कुछ मिल जाता है मंदिर के आस पास ही, और यहाँ पर शॉप वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, जो भी आपको परचेज़ करना है सो आप परचेज़ कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो अभी आपको जो कृष्ण जन्मभूमि है वो दिख जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस ना ही मोबाइल अलाउ रहता है ना ही बैग, आपको मोबाइल अलग रखना पड़ता है और बैग अलग रखना पड़ता है। सो यहाँ पे काउंटर होते हैं, आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बड़े बैग अलग काउंटर पे और छोटे बैग अलग काउंटर पे होते हैं, जमा हो जाते हैं, और मोबाइल भी आपको अंदर कुछ भी अलाउ नहीं होता है ले जाने के लिए, ना ही फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउ रहता है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, सो आपको अपना पर्स मोबाइल वगैरह बहुत अच्छे से संभाल के रखना होता है बिकॉज़ ये किसी का भी मोबाइल पर्स वगैरह लेके चले जाते हैं, सो आपको बहुत अच्छे से केयरफुल रहना कि कोई भी बंदर आपको मोबाइल पर्स वगैरह ना लेके जाए। सो आगे आप देखिएगा कि हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, यह है कृष्ण द्वार गेट नंबर 1, यही है ना निःशुल्क विश्राम। हाँ सबसे पहले कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे तब तो आगे देखेंगे। पूछ क्या हूँ क्या पास मिलेगा लगता है एंट्री फीस। श्री कृष्ण जन्मभूमि मोबाइल नहीं जाएगा अंदर, मोबाइल बैग वगैरह नहीं जाएंगे, लेडीज लाइन आगे से। अच्छा मोबाइल बैग कहाँ रखना पड़ेगा फिर? महिला क्लब उधर मोबाइल जमा करो, बड़ा बैग उसी के साइड में। सो गाइस हम लोग अंदर से विजिट करके आ गए थे, दर्शन करके घूम के वहाँ पे अंदर पे, मतलब जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पे जो गुफा थी, सॉरी जो उनको जेल में रखा था वो सब कुछ टोटल मतलब अंदर पे हम लोग को दिखाया, हम लोग ने वहाँ पे गाइड किया था, गाइड ने 100 रुपये लिया था। सो अगर आप लोग जाएँ तो गाइड ज़रूर करें बिकॉज़ आपको जो एक्चुअल चीज़ है वो लोग बताएंगे। सो उसके बाद हम लोग बाहर निकल के हम लोग ने थोड़ा सा नाश्ता किया था, यहाँ पे पूड़ी और सब्जी मिलती है एंड हम लोग ने डोसा लिया था। सो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता चाय करके फिर हम लोग आगे
गोकुल की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि हमें इसके बाद गोकुल भी जाना है। आज हम लोग को 26 मथुरा कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम लोग वृंदावन निकल जाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे ये गोकुल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे भी हम लोग ने गाइड किया था, ये गोकुल की गलियाँ हैं जहाँ कृष्ण भगवान खेला करते थे, अपना जो भी रासलीला वगैरह किया करते थे। सो यहाँ पे पूरी मतलब गलियाँ बहुत छोटी हैं, लेकिन यहाँ पे सारी शॉप वगैरह हैं, घर हैं, तो आपको प्रॉपर एक्शन से नहीं देख पाते हैं। भगवान को लाया था सात द्वार को पार किया, छह द्वार में पीछे छोटी लास्ट में बहुत सात माँ द्वार सामने भगवान भगवान की ओ भाई उसका ना अकेले नहीं घूमना, हम भी हैं साथ डाली उसका कहना हम भी हैं, तू अकेले मत जा, थोड़ी आराम से चलो, हम लोग भी हैं के कई हम लोग इतने चार लोग हैं भैया, ये अकेले पैसा नहीं दे रहा और थोड़ा तेज बोलो यार, मामा घर आ गए क्या? प्रसाद चढ़ाना जरूरी है? अरे नहीं लेना है। अच्छा अरे आप मुझे पहनी में नहीं जा रही, रुक मित्र को दी तो शुद्ध तो है यार, नहा धो के आए नंद यशोदा भवन। आइए ये क्या है, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ये मनोकामना वाली माता है नंद बाबा की कुलदेवी, इधर ही मनोकामना के वस्त्र बांधे जाते हैं, जो भी मनोकामना मगुए माता 11 महीने में आनंद करती है। पहले अपन में दर्शन करेंगे भगवान के सोने के झूले का, वस्त्र भी अपन को अंदर से मिल जाएगा, और बाद में माता का दर्शन है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखिए अगर फूल मिलता है फूल लेना ले लेना, क्योंकि भगवान के सोने के झूले का बस फूल ही छड़ता है, और कुछ बाहर का प्रसाद प्रसाद नहीं छड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नमो शंकर भगवान की जय। उधर लेना उधर लेते रहिए, ये शंकर भगवान है, जैसे आप लोग आए हो ना अपना घर परिवार सब छोड़ के तो दर्शन करने के लिए, सबसे पहले गोकुल में कोना है शंकर भगवान, कैलाश पर्वत को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, तो क्या साधु संत के वेश में आए थे, इनके गले में नाग भाग था, तो मैया सुधा थी ना वो इससे डर जाती है, तो ये कहते हे माता आप लल्ला का दर्शन करा दो, माता बोलते कि नहीं मेरा लल्ला भी छुपा है, देख के डर जाएगा। उसके बाद शंकर भगवान ने बैठ के 3 दिनों 3 रात तक किया, तब जाके मैया ने कितने दूर से लल्ला का दर्शन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया यशोदा की जय। ऐसा ऊंचा करिए और सीए पहले आ हा हा, ऐसा नहीं आत्मा से सीए आ हा हा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो क्या सबसे ज्यादा महत्व है वोशनी का, क्या की गोकुल में आके जो हंसता है ना उसी घर जाके बसता है, और गोकुल में आके जो रोता है वो अपना सब कुछ होता है, होने का जगह नहीं है, इसका जगह पाने का जगह वोशनी का जगह। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आप बुलाए नहीं, जय शंकर भगवान का तीन प्रतिमा कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भैया आप कैमरे में आ रहे आ गए आप, भैया कह रहे आप कैमरे में नहीं आ रहे आ गए आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
छठी पूजी थी। जब भगवान क्षेत्र के होते तब आप कोई मनाते हुए छठी पूजा और आप गोकुल में दर्शन को मनाते हैं। भोलेनाथ गोपाल की जय। आइए और अंदर से मोबाइल को बंद कर लेना, धर्मचर्या का ले जाएगा। जो कृष्ण भगवान को लाए मंडल पार करके उधर बाजू में माखन चूर मिला कृष्ण भगवान आइए पूछना देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया माँ जी बाबा ने चांदा मारा तो करते कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। फिर से डॉली। अरे अच्छे से आनंद के साथ भैया। रबड़ी मलाई ताजा पेड़े हैं। ये खटिया लेना है। तेरे वीडियो आते हैं नहीं बनते क्रॉप टाइप की? नहीं सही बनते, सही बनते, बस पकड़ लो बन जाते हैं। ये वो है गोकुल की गलियां, गोकुल की गलियों की बुक। ये गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं। अपनी मम्मी लोग को दिखा देंगे कम से कम बिचारी। हमारा नहीं है ये बात बोला था ना हमने आपको। एक ही है, दो लड़की है। लड़की का नाम बोलो। मम्मी मुझे बोलो हे दाऊ जी, तीनों बच्चा का आनंद का 101 दाऊ झंडा 101 मिल गया। फिर अर्जुन जी का तो मत, मेरा बेटा का है, बेटी का है बेटा। आज बसंत पंचमी है, आज बसंत बाहर है, जब बोला हाथ लगा के क्या नाम आपका? बेटा का नाम बेटी है, राध्या नाम बोलो। राध्या, राध्या दूसरे बोलो राध्या को आनंद के हमारे घर बधाई के आनंद के 101 दाऊ जी का खड़े हो के अभी घर में चलो। आज मारो सबीना वर्गो जी, गोको मामा सबीना वर्गो जी, सबीना वर्गो जी पूरे अंग में शेष नाग के रखते हुए 9 नाग दाऊ जी में 7 रखते हैं। ये मनोकामना देखता है दाऊ बाबा अपने घर पर बार उन्नति उजाले को दे दी आपकी वही परिक्रमा करना है। सांड ऋषि का आइए जाइए ताला पर भर देता हूँ।
कितने का है ये वाला? बहुत बड़ी वाली है, फैंसी। और ये लेनी है 50 की, ये 50 की है ना। और इससे भी कम रेट की चाहिए, सामने है 30 की हो गई 50। और इससे भी छोटा चाहिए 30 रुपये का। पाल नंदलाल गोपाल 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 नंदलाल। वो वाला कलर उठाना तो उसे, वो हाँ उसके पीछे, हाँ ये दो तो ले लिया। हाँ देखो ये अच्छा लग रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गोपाल नंदलाल गोपाल गोपाल नंदलाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। सो गाइज यहाँ पे हम लोग ने गोकुल पूरा घूम चुके थे और इसके बाद हम लोग रिटर्न अपने होटल जा रहे थे। सो यहाँ पे जो हमारा गाइड है उन्होंने सबको माथे में तिलक लगा रहे थे, सो यही हम लोग लगवा रहे थे। और देखिए राध्या कितनी खुश हो रही है। सो हम लोग यहाँ से ये लगवा के फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ का ये पेड़े और यहाँ की लस्सी और यहाँ का जो रबड़ी है वो खाएंगे। और रबड़ी ना खाए। अरे ये तो रबड़ी को हम जान जान लग रहे हैं। जितनी खुला दो बहुत तंगी स्टेड है। हाँ पहले आप टेस्ट करके बताओ। करो टेस्ट, करो ना। अरे करो ना, आप लाओ इसको देखो। पहले आप करो ना यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़े भैया। है ना, इसलिए तो हमने आप ही को टेस्ट करा है। तो चम्मच ले लो। डॉली ने बोले चिरंजी भिगा के दे दिया। ये देखो दो 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 व्यक्ति खाते हुए सब रिकॉर्ड हो गया बहन। हर जगह खाते हुए पाए जाएंगे दोनों व्यक्ति आपको। बहन साइड हो जाओ, ऑटो आ रहा है। अब भी तो कह रही थी अच्छा। क्या चाहिए राधू को? मैं नहीं खा रही, मेरा मुंह टेस्ट और खराब करना। क्या चाहिए इसको? उठ गई राधू, गुड मॉर्निंग चालू हो गया। चलो उसको खत्म तो कर दो पहले। सो गाइज यहाँ पे हम लोग ने गोकुल घूम चुके हैं। सो अब इसके बाद हम लोग होटल जाएंगे और होटल से अपना सामान लेके और वहाँ से हम लोग कार करके वृंदावन निकल जाएंगे, बिकॉज आज हम लोग को वृंदावन पहुँचना है। सो हम लोग ने सोचा कि वृंदावन हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल चले जाएंगे, बिकॉज अभी हम लोग टाइम पे फ्री हो गए थे। सो चलिए चलते हैं। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।